जहरा पर बावज बलन नारे घड़ी के दर एक घंटा घड़ी के दर घड़ी बंद लगा देता हूँ पानी रखवा लो पानी पानी गर्म नॉर्मल फातिहा أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين المغربين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد ولا اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم بحق فاطمه وابيها وبالوا وبنيا صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وعلى محمد عزاداران شہزادی کونین پہلی مجلس فرسٹ مجلس ہے مسجد ولی اثر मवाकी। मैंने मजलिस का आगाज एक दुआ से की। ये तीन दिन की टॉपिक सीरत बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा लाइफ ऑफ बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा। बीबी की जो लाइफ है उस लाइफ से हम क्या लेना चाहिए, हमको क्या लेना चाहिए। और ये अय्याम फातिमिया की मजालिस हैं। तीन दिन की ये टॉपिक भी नहीं है, लेकिन फिर मैं आने वाला हूँ मवा 11 जनवरी से, उसमें इसको कंटिन्यू करूँगा। आज फर्स्ट मजलिस है, ये अय्याम फातिमिया के वो दिन हैं कि जो सेकंड शहादत के करीब हमारे दूसरी शहादत की जो डेट है। बीबी जहरा की शहादत के दो डेट्स हैं, एक 75 डेज की रिवायत है, एक 90 डेज की रिवायत है। अल्लाह के रसूल की शहादत के 75 डेज में शहीद हुई या 90 डेज में। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं आपको, शहादत की तारीख में डिफरेंस है, विलादत की तारीख में कोई डिफरेंस नहीं, बर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है। 20 जमादुस्सानी जब इस्लाम 5 साल का था उस वक्त मादर हुसैन दुनिया में आई। दूसरी चीज, आज तक मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा, मैं सिर्फ अपने यूथ को बोल रहा कि आपको नॉलेज होना हिस्ट्री में कि आज तक बीबी जहरा की जो रियल ग्रेव है ना, जो असल खबर है, उसका पता नहीं है। सही बात। आज तक कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरी शहजादी यहाँ है। तीन जगह बताई गई, एक जन्नतुल बकी है, एक रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना उसको बोलते जो मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर रसूल से खबर रसूल तक ग्रेव तक ये छोटा सा पार्ट है। जो उम्रे पे गया वो जानता है, अल्लाह बार बार नसीब करे इंशाल्लाह। इतनी आहिस्ता बोलोगे तो जाओगे,
उम्रे के लिए एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़े, तो ये जो पाठ है इतना हिस्सा है, शिया सुन्नी सारी बुक्स में है वो, इसीलिए अहले सुन्नत वाले भी वहां नमाज पढ़ते, वो एक रकत पढ़ने का 100,000 रकत सवाब, 100,000, वो जन्नत का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ जन्नत, जन्नत का एक हिस्सा, रोज़े मैशर वो पूरे हिस्से को लेके जन्नत में मुंतकिल कर देंगे। उसी तरह करबला को भी कहा गया कि पार्ट ऑफ जन्नत है, वैसे हर मासूम का रोज़ा है, एनी हाउ, तो एक रिवायत यह है कि जन्नतुल बकी में, एक रिवायत यह है कि मौला ने रियाजुल जन्ना में दफन किया, एक रिवायत यह है कि अगर आप जन्नतुल बकी से मस्जिद नबवी की तरफ आए तो बाब जिब्राइल है, मस्जिद नबवी का एक डोर है बाब जिब्राइल के नाम से, आज भी वहाँ लिखा हुआ है बाब जिब्राइल। ये बाब जिब्राइल क्या, बाब जिब्राइल यानी जिब्राइल इस दरवाजे से मस्जिद में एंटर होते थे, जब आते थे अल्लाह के पास से तो ये दरवाजे डोर से एंटर होते, जैसे इसमें मैया मस्जिद में कई डोर से, तो उसी तरह मस्जिद नबवी में भी कई डोर से। मैं सिर्फ हिस्ट्री बता रहा कि वो नॉलेज होना हमको कि बीबी जहरा की ज़िंदगी में क्या है और उनकी खबर कहाँ है। जब एंटर होते थे बाब जिब्राइल से, अगर आप एंटर हो तो लेफ्ट साइड के ऊपर आज भी एक मेटल का दरवाज़ा है, आज भी एक दरवाज़ा वहाँ मौजूद है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता, ये वही घर है बीबी का जिस दरवाजे को ये लोगों ने जालिमों ने जलाया था। तो ये तीन जगह बताई गई, बीबी को घर में दफन किए एक रिवायत, एक रिवायत रियाजुल जन्ना, तीसरी रिवायत जो जन्नतुल बकी की है वो मौला हसन की वसीयत है, मौला हसन की ये वसीयत थी मौला हुसैन से कि भैया अगर मुझे नाना के पहलू में दफन होने की इजाज़त ना मिले तो माँ के पहलू में दफन करना, तो उस लिहाज से जन्नतुल बकी हमारे उलमा ने लिखा। दोस्तों ये भी एक बड़ा जुल्म है कि आज तक सारे मासूमीन, 13 मासूमीन जमाने के इमाम को छोड़ दो, 13 मासूमीन के जहां ग्रेव है, खबर है, उसका पता है हम सबको कि कौन कहां दफन है सिवाय बीबी जहरा के। ये जुल्म अजीम है, आज तक जुल्म अजीम है कि रियल मालूम ही नहीं। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, आप जाना तीनों जगह, अल्लाह हमको ज्यारत नसीब करे तीनों जगह, तो इसीलिए ज्यारत भी तीनों जगह है, रियाजुल जन्ना में भी है, घर पे भी करना है, पढ़ना है, और जन्नतुल बकी में भी पढ़ना है। बीबी जहरा की जिंदगी सिर्फ 18 साल की थी, 18 ईयर्स की, 18 साल की जिंदगी में इन्होंने इस्लाम को, कंप्लीट इस्लाम को पेश किया। अगर फातिमा नहीं होती तो इस्लाम अनकम्प्लीट रिलीजन होता, इनकम्प्लीट रिलीजन होता, इस्लाम कंप्लीट रिलीजन नहीं होता। जो गदीर में ऐलान हुआ मन खुन तो मौला फाजा अली मौला, उसके बाद अल्लाह ने कहा कि अलियोम अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नेमती व रज़ी तो लकुम इस्लाम दीना, कि आज हमने दीन को कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया। तो वह दीन मुकम्मल हुआ बीबी जहरा से, अगर शहजादी नहीं होती तो कुछ नहीं होता। दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कई हिस्से, एक बेटी बन के आपने ज़िंदगी गुजारी कि माँ और बाप के साथ एक बेटी को, औलाद को कैसे रहना, ये हमारे लिए आज का मैसेज, आज के यूथ के लिए कि माँ बाप के साथ कैसे रहना, वो एक पार्ट है बीवी की जिंदगी को। अगर आप डिवाइड करें तो कई हिस्सों में, एक हिस्सा है बेटी माँ बाप के साथ कैसे रहना औलाद, दूसरा हिस्सा है एक वाइफ अपने शौहर के साथ कैसे रहना, बीवी अपने शौहर के साथ कैसे रहना। फातिमा ने 10 साल इमाम अली के साथ गुजारा, कभी कोई डिफरेंस ना। मैं आप सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा, इसके डिटेल में अभी जाऊंगा। एक हिस्सा बेटी का है औलाद का, एक हिस्सा वाइफ का है, जो आज हमारे माशरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आई डोंट नो अबाउट मौवा, लेकिन मार्केट में अगर आप बाहर, मैं तो पूरी दुनिया में मैं आपको बता रहा क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या, दो रिश्ते ऐसे पूरे रिश्ते, लेकिन बीवी और शौहर का आज जो डिफरेंसेस है, अगर इंसान सीरत फातिमा देखे तो फिर सारे डिफरेंस खत्म हो जाए, सारे डिफरेंस खत्म हो जाए कि बीबी जहरा ने इमाम अली के साथ कैसे जिंदगी गुजारी 10 साल। उसके बाद और खतरनाक रिश्ता आज के दौर का, बहू और सास। सास मुझे नहीं मालूम हवा में झगड़े है नहीं है, लेकिन दुनिया भर में तो है, दुनिया भर में तो ये रिश्ता बड़ा प्रॉब्लम का रिश्ता है आज, जबकि नहीं होना चाहिए। एक लविंग रिलेशनशिप होनी चाहिए सास और बहू का। बीबी जहरा ने 4 साल अपनी सास के साथ लाइफ गुजारी, 1% भी कहीं भी कोई नहीं बोल सकता कि दोनों में डिफरेंस हुआ। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा, आप डिटेल में जाऊंगा। उसके बाद
फातिमा ने का एक रिश्ता है माँ का कि औलाद को रेस कैसे करना, औलाद को तरबियत कैसे देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आज पूरी दुनिया में कहीं मैं जाता हूं यही बोलते हैं कि मौलाना कोई दुआ बताओ कि औलाद सही निकले। अरे औलाद सही निकले, हर आदमी यही दुआ मांगता, हर आदमी के पास यही है। चार ये रिश्ते, चार के चार रिश्ते बताया मैंने फातिमा की जिंदगी के। उसके बाद बीबी की जिंदगी का सेक्रीफाइस, कुर्बानी जो फातिमा ने कुर्बानी दी। आज हम क्या दे रहे, व्हाट आर वी गिविंग? जाहिरी तौर पे नमाज पढ़ना काफी नहीं, रोजा रखना काफी नहीं, ये तो वाजिब है, ये तो करना ही करना है। इसके अलावा हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स इस्लाम? आप समझे मेरी बात? खाली मस्जिद में आके पहली सब में खड़े रह के नमाज पढ़ने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। एक शिया की बात कर रहा, तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ और भी है, मैं यूथ को बोल रहा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और भी है। खाली हम देखे नमाज वाजिब है, 100% पढ़ना है। वो शिया नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता, वो अली वाला नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज वाजिब है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली नमाज पढ़ लो तो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। कल इमाम तुमसे पूछे कि तुमने क्या किया मेरे लिए, मौवा में क्या किया, वॉट यू हैव डन फॉर मी। कल इमाम तुमसे सवाल करे तुमने मेरे लिए क्या किया, तो आप बोलेंगे नमाज पढ़ी, आप बोलेंगे रोजा रखे। नमाज रोजा तो वाजिब है, ये तो सभी पढ़ रहे, इसके अलावा क्या किया? वो बीबी ने बताया 75 days जिंदा रही। मैंने एक जुमला बोला, आपने गौर किया नहीं, किया नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा कि अगर फातिमा नहीं होती तो इस्लाम इनकम्प्लीट रिलीजन होता, इस्लाम नामुकम्मल मजहब होता। फातिमा ने पूरी अपनी जिंदगी में मदीने में 3,000 से 4,000 औरतों को तालीम देती थी, 3,000 से 4,000 स्टूडेंट। यही चीज बीबी जैनब के पास था। दोस्तों खाली नमाज पढ़ के काफी नहीं, बार बार बोल रहा, गलत नहीं समझो, नमाज वाजिब है, उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं यहां पे? मैं यूथ को पूछ रहा, क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई दूसरा कंट्रीब्यूशन है? कोई काम क्या? 24 घंटे में कोई एक काम बताओ, मुझे नहीं बताओ, अल्लाह को बताओ, मादर हुसैन को बताओ। ये 3 मजलिसों में मैं इंशाल्लाह आपको एक कंप्लीट मैसेज देके जाऊंगा, औरतों के लिए भी, मवा की औरतों के लिए भी, मवा के लड़का लड़कियों के लिए भी, और मवा के बड़ों के लिए भी, कि तुमको करना क्या है। ये जिंदगी जो हमारी लाइफ है ना, ये बबुल की तरह कभी भी खत्म हो जाएगी। ये लाइफ कितने साल जिंदा रहोगे? 60, 70, 80, 90 years? 90 साल के बाद क्या है? यही क्या कब्रिस्तान में जाना है, हमेशा वहीं रहना है? 60 के बाद तो सब बोनस में नहीं है, रिटायरमेंट है ना 60 के बाद, सभी बोनस में। तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या? अगर तुमको जिंदा रहना है मऊवा में, एक चीज बोलूं, पैसा जिंदा नहीं रखता। क्या बोल रहा हूं मैं? तुम बोलो मैं मिलियनर हूं, मेरा नाम रहेगा, कभी नहीं रहेगा। पैसा किसी को जिंदा नहीं रखता, ताकत जिंदा नहीं रखती, वो काम जिंदा रखता जो तुमने इस्लाम के लिए किया है। सही बात है। मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे नहीं मालूम आप लोग इतना खामोश सुनते हैं, तो वेरी गुड, ऐसे ही सुने आप। खाली ये नहीं कि मैंने जो कुछ किया। अब मिसाल देना, मुझे अभी आज ही पता चला ये मस्जिद के बारे में, ये मस्जिद के बारे में आज ही मुझे मालूम हुआ कि जो आज प्रेसिडेंट है उनके ग्रैंडफादर ने शायद या ग्रेट ग्रैंडफादर ने इसकी बुनियाद रखी थी। आप लोग बेहतर जानते। अरे बोलो यार, देखिए इसमें कोविड में मास्क लगाने के लिए बोला गया, खामोश बैठने के लिए नहीं बोला गया। नारा हैदरी, रहो खामोश, डजंट मैटर, लेकिन बोलने के लिए तो बोला गया ना। ये मस्जिद कि पता नहीं मुझे 100 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, जो आज बड़ी हो गई, लेकिन आज वो बंदे का नाम है
आज वो बंदा जिंदा है जिसने पहली ईंट लगाई, जिसका इनिशिएटिव था। जब 10 आदमी की होगी छोटी मस्जिद होगी, डजंट मैटर, आज बड़ी हो गई, लेकिन आज उसका काम ने उसको जिंदा रखा। मैं क्या बोल रहा आपसे, उसके काम ने आज उसका नाम, उनके जमा, प्लीज गौर से सुनो, उनके जमाने में, जिस जमाने में वो थे मुझे नहीं मालूम, उनका नाम भी नहीं मालूम, उनके जमाने में बड़े बड़े मिलियनर होंगे, उस जमाने में भी पैसे वाले होंगे, हर दौर में रहते पैसे वाले। आज किसी पैसे वाले का मवा में नाम नहीं है, एक बंदे का नाम है जिसने मस्जिद बनाई। तो कोई काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे। ये सीरत बीबी जहरा है, सीरत बीबी जहरा घर में बैठने की नहीं है। सीरत बीबी जहरा खाली घर में बैठ के नमाज रोजा कर लिया, बस मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, नो। सीरत बीबी जहरा बीबी ने वक्त पड़ा, वक्त पड़ा इस्लाम के ऊपर, तो फातिमा मैदान में भी आई, मोबाइल में आई, इस्लाम पे जब वक्त था तो आई। उसके बाद विलायत अली के लिए दरबार में भी गई फातिमा। सही बात है, बड़ी बात है, समझ गए मेरी बात। मैं आज पहली मदीस इंट्रोडक्शन कर रहा, तारुफ करा रहा दो मदीसों की और आने वाली मजालिस की। तो एक मुझे कंप्लीट चेंज चाहिए यूथ में, तुम्हारी फिक्र बदलना है मजलिसों के बाद, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होना कि आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, तुमको जिंदगी में कुछ करना है। अगर नहीं करोगे तो हमेशा ऐसी रहोगे। दोस्तों आज पूरी तारीख अगर उठा के देखो आप, 1400 साल की तारीख हमारी, जिंदा कौन है? इब्ने ज़ियाद के पास बड़ी दौलत थी, क्या बोल रहा हूं, वाह 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 वाह, बहुत दौलत थी इब्ने ज़ियाद जालिम के पास, गवर्नर था, जालिम तरीन शख्स का नाम है, उसका महल था, उसका दरबार था। आज जाके देखो कूफे में खंडर पड़ा हुआ है, और उसके बरक्स उसने दरबार में मीसम को बुला के, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मीसम का हाथ काटा, पैर काटा, जबान काटा, लाशें को कचरे पे, गार्बेज पे फेंक दिया। आज मीसम का रोजा है, इब्ने ज़ियाद का नाम भी नहीं। क्यों है मीसम का नाम क्यों बाकी है? मीसम ने काम किया। मीसम भी हम जैसा शिया होता, अरे मैं तो मौला की मोहब्बत करता हूं, मौला से नमाज तो पढ़ता हूं ना, रोजे तो रखता हूं ना, वाजिबात पे तो अमल करता हूं। लाखों लोग कर रहे वाजिबात पे अमल। कंट्रीब्यूशन चाहिए, इस्लाम सैक्रिफाइस चाहता है, याद रखो, कुर्बानी चाहता है इस्लाम। कुर्बानी होगी, तुम रहो या ना रहो तुम्हारा नाम रहेगा। और एक बात बोलो, जैसे ये मस्जिद है, वो बंदा कौन था मुझे नहीं मालूम, इनके ग्रैंडफादर सज्जाद भाई के, वो खबर में चले गए 50 साल 60 साल जो भी हुआ मुझे नहीं मालूम, चले गए, उनका अकाउंट अब तक खुला हुआ है। क्या सुन रहे हैं, आज तक अकाउंट खुला हुआ है। वरना अगर आज मौवा में तुम्हारे बड़े बड़े बैंक में, यहां पे एक बैंक में $1,00,000 है, उसमें इतना है, जो भी तुम्हारा अकाउंट है बैंक का, जमीन के ऊपर है। जमीन के ऊपर है, हर आदमी का बैंक अकाउंट है, लाखों रुपया पड़ा हुआ है बैंक में। ये कब तक वैलिड रहेगा? जब तक तुम्हारी सांस है। हकीकत नहीं है, रियलिटी नहीं है। जब तक तुम्हारे जिस्म में सांस है तुम उससे ले सकते। मैं ये मजमे से पूछता, कोई अकाउंट नीचे भी खोला है? नीचे के बैंक में कोई अकाउंट है? आखिरत के बैंक में कोई अकाउंट है? सीरत जहरा ये है कि वहां के लिए काम करो। आज ये बंदा जिसने मस्जिद बनाई, उसका अकाउंट कितने खुले हुए होंगे?
जो भी आदमी, एक आदमी बोल रहा, इतने हजारों आगे नमाज पढ़ दे, एक भी सजदा हो रहा उसके अकाउंट में पैसे जाते जा रहे। आप समझे, पैसे नहीं अमाल। एक सजदे का अजर बंदे को भी मिल रहा, उसको भी मिल रहा, कोई तस्वीर पढ़ रहा उसको भी मिल रहा, उसको भी मिल रहा, मजलिस हो रही, गिरिया हो रही, अब तक उसका अकाउंट खुला हुआ है। मुझे पता नहीं कि वो कहां पहुंच गए होंगे। तो तुम नहीं चाहते हो ना, मैं पूछ रहा, चाहते हो? बोलो यार। प्लीज अल्लाह काम करोगे। वो ये अहले बैत का घराना इतना करीम है, इतना करीम है कि अब तुमने जरा भी काम किया ना तो अपने नाम के साथ तुम्हारे नाम को बाकी रखते हैं। जैसे हुसैन का नाम बाकी है, अली का नाम बाकी है ना, तुम्हारा नाम भी बाकी रहेगा। अगर नाम रहेगा, इसलिए कि दोस्तों वो जो लाइफ है ना, मेरी टॉपिक मौत नहीं है, याद रखो। मैं बड़ा बदनाम जाकिर हूं, डराने वाला, समझ में आई? ये तो शुक्र अदा करो कि महुआ में मैंने पढ़ी नहीं, अभी हैदराबाद में खबर की पहली रात पढ़ के आ रहा हूँ, वो लोगों ने टॉपिक दी थी। और ये साल आपके खोजों का जो लंदन का इमाम बारगा है, इमाम बारगा हैदरी, उसमें पूरा मेरा अशरा है इस साल का, खबर की पहली रात, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, यूट्यूब पे सुन लो। शुक्र करोगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा ये तीन दिन में, तो नहीं बोलूँगा। इतना बदनाम हूँ, जब भी दुनिया में जाता हूँ ना, लोग बोलते अरे मौलाना इतना डराते हो, मेरे नाम के साथ ही बोलते कि डराने वाला मौलवी आ गया। कहते हैं कि मौलाना इतना डराते हो, मैं कहता हूँ यार तुम अपने आप को अली वाला भी बोलते हो, डरते भी हो। नहीं, अपने आप को अली वाला भी बोलते, यू से क्या इल्ला इमाम अली, डोंट यू से, अब बोलते नहीं कि मैं मोहब्बत करता हूं अली से। जब डर मोहब्बत करते हो तो वे डर किसका, अली वाले हो तो डर किसका। काम करोगे तो कभी डर नहीं लगेगा। हमेशा 24 घंटे में ये तुम्हारे दिमाग में एक बात आना कि मैंने इस्लाम के लिए क्या किया, मैंने इमाम अली के लिए क्या किया। पहली शहादत से आज आप यहां तक पहुंच गए बीबी जहरा की। मुझे ये बोलो, लास्ट ईयर भी तुमने ये मदीसे की होंगी शहादत की, एक साल में तुमने सीरत जहरा से क्या सीखा, पूछ रहा मैं, औरतों को भी पूछ रहा, लड़कियों को भी पूछ रहा, कि कोई चीज तुम्हारी लाइफ में आई बीबी जहरा की, क्या तुमने बीबी जहरा के नाम पे म्यूजिक छोड़ी? देखिए मैं पहली मजलिस में बम्बार्डमेंट नहीं करता, कल परसों में करूंगा, समझ आए? कोई चीज छोड़ी, म्यूजिक छोड़ी? अभी मोहर्रम गुजरा, मुझे पता चला यार माशाल्लाह अच्छा मोहर्रम हुआ। आशूरे का पैगाम क्या था, आशूरे का मौला हुसैन का पैगाम क्या था? मेजर पैगाम यह था, फॉरगिवनेस, माफी। नहीं समझे? एक ऐसे गुनाहगार को हुसैन ने माफ किया कि जो जहन्नम के शोलों को देख रहा था, जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ था, हुर को माफ किया। मैं पूछता तुमने इतने दिनों में किसी कोई रिश्तेदार को माफ किया? क्या बात है यार, किसी गरीब को माफ किया? खाली एक चीज याद रखो, मैं यूथ को बोल रहा, मोहर्रम हो या बीवी की शहादत हो
ये मजलिसें हो, ये प्रैक्टिस नहीं है। चेंज चाहिए बीबी को, प्रैक्टिस नहीं है कि तुम्हारे बाप मानेगा कि मजलिस को मैं जाओ, बचपन से तो मजलिस में जा रहे। जब मजलिस में आओ, मेरे जुमले गौर से सुनो, जब मजलिस में आओ, बे इंतहा सवाब है तुम घर से लेके फर्शा पे आए तक, बे इंतहा सवाब है। मैं सबको बोल रहा हूं, औरत मरा, लड़की लड़का, जो औरतें मुझे सुन रहे, बे इंतहा सवाब है तुम्हारे मजलिस में। तो जब फर्श अजाब पे आओ तो एक बीमारी को छोड़ो, नूर की चीज को लेके बाहर जाओ। लर्न समथिंग अनलेस यू चेंज योर लाइफ। हमने एक आदमी को माफ नहीं किया, फिर मैं बोल रहा अल्लाह तुम मुझे माफ कर दे। बीबी जहरा की जिंदगी देखो, शहजादी कौनैन की लाइफ देखो, कि 18 साल में वो काम कर गई। आज सैक्रिफाइस पे बात करेंगे, आज और कल दो दिन सैक्रिफाइस होने। बीबी जहरा की कुर्बानी, क्या क्या कुर्बानियां बीबी जहरा ने दी, और हमारी लाइफ में हम कितनी कुर्बानी देते। आप बोलेंगे ईद उजहा में एक बकरे की देते बस और खुद खा लेते, नहीं और क्या देते। लाइफ में कोई कुर्बानी दी, कोई एक चीज हमने छोड़ी एक साल में, बोल रहा हूं। लास्ट ईयर बीबी जहरा की शहादत से ये शहादत है, बीबी के नाम पे कोई एक चीज छोड़ी। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं परफेक्ट हूं, कोई बोल सकता कि मैं परफेक्ट हूं, ये सिवाय मासूम के कोई नहीं बोल सकता। किसी के जहन में यह है ये बात कि मैं बीबी के लिए यह काम करूं। वेरी सैड, अफसोस है यार, अफसोस। हमारी लाइफ कैसी है मालूम, एक ही ट्रैक पर बस, सोचते ही नहीं। अगर तुम ऐसे रहोगे ना, मैंने मस्जिद का एग्जाम्पल दिया, क्या तुम्हारे दिल में ख्वाहिश हुई कि अल्लाह मुझे भी मौका दे, मैं भी एक घर बनाऊं तेरा? आप बोलेंगे मेरे पास टूल्स नहीं है, आप बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आज पैसा नहीं है, नियत है। मैं बार बार बोल रहा, एक बार इतने स्लो नहीं रहना, आहिस्ता नहीं रहना। काम करने वाला, इमाम अली को काम करने वाला शिया चाहिए, इमाम अली को डम शिया नहीं चाहिए। टाइम क्या मैं कितने बजे बैठा, आधा घंटा हो गया, एक घंटा वहाँ बोलो मेरे को।
सलवात पढ़ ले बाबा जोर। अजान पे एहतराम करना लाजिम है, मतलब यू कैन नॉट डू, बेइंतहा सवाब है कि जब अजान हो तो अल्फाज को दोहराओ, और सरकार का नाम जब भी आए सलवा जरूर पढ़ो। बारह बीवी जहरा की लाइफ की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सैक्रिफाइस, कुर्बानी। फातिमा ने जो कुर्बानियां दी, एक कुर्बानी नहीं, और ये इस्लाम की इंपॉर्टेंट तरीन इशू है कि सैक्रिफाइस होना, तुम्हारी लाइफ में सैक्रिफाइस आना। अपने लिए जिंदा तो सभी रहते, एक जानवर भी अपने लिए जिंदा रहता, दूसरों के लिए जिंदा रहो वो कमाल है, दूसरों के लिए काम करो वो कमाल। इस्लाम ये डिमांड कर रहा, मैं अपने लिए तो अपनी जॉब, ये जो एक नारा है मी एंड माई फैमिली, मैं मेरी बीवी बच्चे, ये जो स्लोगन है, ये जो नारा है, ये ईसाइत और यहूदियत का है, इस्लाम का नारा नहीं। इस्लाम एक्सेप्ट ही नहीं करता सिर्फ तुम अपने लिए सोचो। अब मैं आप मेरे जहन में एक नबी मूसा का वाकया आया, ये बात को सिर्फ प्लीज गौर से सुनो, ये बात को समझाने के लिए कि आज इस पे बोलेंगे, ये देखेंगे कि अपने लिए सोचने से क्या होता, और अगर दूसरों के लिए सोचो, जो बीबी जहरा की जिंदगी है दूसरों के लिए, बीबी इंजर्ड होने, गौर से सुनो, इंजर्ड होने के बाद, जख्मी होने के बाद, ये फसलियां टूटने के बाद, जनाबे मोहसिन की शहादत के बाद, 75 डेज हो या 90 डेज, फातिमा घर में नहीं बैठी, हाथ में असा लेकर इतनी तकलीफ में मदीने के एक एक घर में जाके औरतों से बात की, विलायत अली का प्रोटेक्शन किया। बीवी की जिंदगी का ये इंपॉर्टेंट तरीन पहलू। अब मैं नबी मूसा का वाकया सुना रहा आपको, प्लीज गौर से सुनो कि इस्लाम का डिमांड क्या है, तकाजा क्या है, इस्लाम हमसे क्या चाहता, बीबी जहरा हमसे क्या चाहती, उनकी सीरत। नबी मूसा का वाकया, मशहूर वाकया, नबी मूसा कौन थे, जो अल्लाह से डायरेक्ट बात करते थे, करते थे ना, पहाड़ पे जाके, उस पहाड़ का नाम था तूर, तूर के पहाड़, आज भी इजिप्ट में मैंने देखा है, उस पहाड़ पे जाके नबी मूसा अल्लाह से बात करते थे। ये पहला नबी है जिससे अल्लाह ने डायरेक्ट बात किया, इसलिए इन्हें कलीमुल्लाह कहते। और तूर, मेरी तरफ तूर का जो माउंटेन था, पहाड़ था, उसके कई रास्ते थे, कभी ये रास्ते से जाते, कभी ये रास्ते से, कभी एक दिन एक रास्ते, नए रास्ते से जा रहे थे, तो देखा एक आदमी ऐसा लेटा हुआ है जमीन के ऊपर, प्लीज गौर से सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग, जमीन के ऊपर ऐसा लेटा हुआ है। नबी मूसा चलते चलते रुक गए, जानते थे ये मेरे कलमा पढ़ने वाला है, रुक गए, रुक के पूछा हाउ आर यू, इंग्लिश में नहीं पूछा, वो तो मैं बोल रहा, कहा क्या हाल है तेरा। दोस्तों यहां पे पहला पैगाम क्या है कि अगर कोई गरीब मवा में है तो उसके लिए रास्ता काट के मत जाओ। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं, हम अगर कोई मेरा रिश्तेदार है गरीब है, अगर वो आया तो मैं दूसरे रास्ते से चले आता, यार ये मांगेगा मुझसे, शुक्र अदा क्यों नहीं करते कि तुमको अल्लाह ने मौका दिया। ये सैक्रिफाइस है, ये लर्न करना है। तो वो नबी मूसा रुक गए, रुक के उससे पूछा क्या हाल है तेरा, तो उसने कहा नबी खुदा मैं ठीक हूं। तो कहा किसने कर दिया तेरा ये हाल, उसने कहा मैंने अल्लाह की इतनी इबादत की है, प्लीज गौर से, मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी अल्लाह की इबादत की है कि अब मेरे पैरों में और हाथों में ताकत खत्म हो गई, बिल्कुल आम ताकत ही। तो नबी ने कहा फिर तेरा खाना पीना कैसा होता है, कि रोज सुबह में अल्लाह राजिक है, रोज सुबह में एक बर्ड, एक परिंदा मुंह में अनार लेकर आता है, मेरे सीने पे बैठता है, अपनी चोंच से अनार को खोलता है, एक एक दाना मेरे मुंह में डालता है। नबी ने कहा बेशक वो राजिक है, अगर रिस्क को खोलना चाहते ना, बिजनेस में इंप्रूवमेंट चाहते ना, या वहाबो पढ़ो, या वहाबो 70 टाइम्स सुबह फजर के बाद, या वहाबो, वहाबो के माने प्रोवाइडर, देने वाला, उसके फौरन बाद या राजे को पढ़ना, पहले या वहाबो पढ़ना, लेकिन शर्त क्या है, फजर।
फजर पे उठना, जिस वक्त शैतान आके हमारे पैरों को दबाता नहीं कि 5 मिनट और सो जाओ, उस वक्त उठना। रिस्क अल्लाह फजर पे बांटता, 24 घंटे देता है लेकिन फजर पे तो 100% मिलेगा। तो अब इसी पे पूरी मजलिस होगी। मेरा टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए मेरे। 1 घंटा पढ़ने के लिए बोला है मुझे, बस बोल दिया कि 1 घंटे से 1 मिनट भी नहीं पढ़ना आगे, मैं पूरा डिसिप्लिन को वो करूँगा। एनी हाउ, नबी मूसा ने उससे पूछा क्या हुआ, तो कहा कि रोज आके मुझे एक बर्ड दे, दाना देता है, रोज सुबह आता है शाम आता है। मूसा ने कहा परवरदिगार तू राज़िक है। अच्छा राज़िक है, एक बात और, एक तस्वीर और देता आपको, या अजीजो या गफ्फार बोलो 18 टाइम्स सुबह में और रात में। देखो अल्लाह रिस्क कैसे खोलता है तुम्हारा, अजीब नाम है अल्लाह का, या अजीजो या गफ्फार। बहरहाल तो इसने पूछा ए नबी खुदा आप कहां जा रहे हैं, वेर आर यू गोइंग, तो कहा मैं टूर पे जा रहा हूं अल्लाह से बात करने। प्लीज गौर से सुनो, तो मूसा ने कहा मैं टूर पे जा रहा, तो उसने कहा जरा जब आप जा रहे अल्लाह से बात करने तो मेरी तरफ से एक पैगाम अल्लाह से लो, एक सवाल कर रहा उसको बोलो जवाब दे दो। मूसा ने कहा क्या, कहा कि अल्लाह से पूछो कि जन्नत में कितना बड़ा महल देने वाला है मुझे, कितना कॉन्फिडेंट है, हम भी बड़े कॉन्फिडेंट है कि मैं तो जन्नत ही में जाऊंगा। नहीं क्यों खामोश हो गए, नहीं है हमारा कॉन्फिडेंस भी ये कि मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए कि मैं तो मौला का जाने वाला हूं। बेशक 200% जो अली से मोहब्बत करता है वो जन्नत ही में जाएगा, लेकिन मोहब्बत कैसी, जैसे अली चाहते या जैसे मैं चाहता। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दाढ़ी को क्लीन करता जाऊं और बोलो मैं अली से मोहब्बत करता हूं, मैं इंडियन मूवी देखूं फिर बोलो अली से मोहब्बत करता हूं, मैं अली के नाम पे कोई चीज छोड़ो ही नहीं। हमारे साथ लंदन का एक ग्रुप था नजफ है शो, हम लोग जाटों में, मैं एक ग्रुप को लीड कर रहा था। बॉम्बे का भी एक ग्रुप के साथ जाता हूँ हर साल, अल्हम्दुलिल्लाह। यूके का ग्रुप था, चलना है ज्यारत में मेरे साथ, फ्री लेके जाता हूँ। अब मजलिस के बाद बाहर लाइन नहीं लगाना, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, मैं लेके नहीं जाता, लीड करता हूँ, लीड करता हूँ। बॉम्बे का खोजे भाइयों का ग्रुप है अलमुंतजर, उसके कभी चलो तो मैं बताऊँ आपको। तो बार लंदन का ग्रुप था, मेरे साथ पूरा यूथ था, लड़के लड़कियाँ पूरे थे। जब पहली बहुत से सुनो बात एकदम याद आई तो बता रहा, जब पहली मरतबा वो लोगों ने मौला के रोजे को देखा, सबके लिए ईद हो जाती, मेराज है हमारी मौला का रोजे की ज़ियारत कर, सारे लड़के लड़कियां रोने लगे और कहने लगे या अली आई लव यू, आई लव यू मौला, आई लव यू। बुरी बात नहीं, उन्होंने इंग्लिश में बोला, उर्दू में बोलते मौला आपसे मोहब्बत करता हूं, बुरी बात नहीं है। हर लड़की लड़का पर मौला आई लव यू, मौला आई लव यू, मौला। मैं खड़े रहकर देख रहा था। ज़ियारत के बाद जब हम लोग होटल आए, रोज 2 मजलिस पढ़ता हूं, एक जोहर के बाद एक रात में 9 बजे, तो रात की मजलिस में मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम लोगों ने सब देख के कहने लगे आई लव यू मौला, आई लव यू मौला। मैंने कहा यार कितना अच्छा होता कि जरी से आवाज आती अली की कि आई लव यू टू। आई समझ में आई बात, मौला बोलते आई लव यू टू, मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं। वो शिया चाहिए, इमाम अली को ऐसा शिया चाहिए कि तुम बात करो अली जवाब दे। वो हुआ होगा जो इमाम इमाम की सीरत पे जो अमल करेगा, बीवी के लिए कोई काम करेगा। तो हुआ क्या, नबी उसने कहा मूसा आप ऊपर जा रहे अल्लाह से बोलो कि मुझे जन्नत में मरने के बाद कितना बड़ा महल देगा। मूसा ने कहा नो प्रॉब्लम आई आस्क यू। मूसा टूर पे आए, टूर पे आके मूसा ने जो सवाल थे नबी मूसा के, आपको मालूम नबी मूसा बात कैसे करते थे, जैसी टूर पे जाते थे अल्लाह को एड्रेस कैसे करते, कहते थे ए इबादत गुजारों के परवरदिगार, तो ऊपर से आवाज आती थी लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर। कभी मूसा बोलते थे
नेकी करने वालों के परवरदिगार। फिर ऊपर से आवाज आती थी लब्बैक या अब्दी। कभी मूसा बोलते थे ऐ साहिब तख्वा के परवरदिगार, फिर आवाज आती थी लब्बैक या अब्दी। आज मूसा ने क्या कहा, ऐ गुनाहगारों के परवरदिगार। तो ऊपर से तीन मरतबा आवाज आई लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, ऐ मेरे बंदे हाजिर हूं। मूसा जैसा नबी चौंका, चौंके कहने लगा परवरदिगार, जब मैंने कहा इबादत गुजारों के परवरदिगार, तूने एक जवाब दिया, नेकी करने वालों के परवरदिगार एक जवाब दिया, साहिब तख्वा एक जवाब दिया, जब गुनाहगारों के अल्लाह बोला तूने तीन मरतबा जवाब दिया। रीजन क्या है? आवाज आई मूसा जब कोई इबादत गुजार मेरे पास आता है तो उसके पास एक भरोसा होता है इबादत का, जो तख्वे वाला आता है वो तख्वे का एक कॉन्फिडेंस लेके आता है कि मेरे पास तख्वा है, नेकी करके आता है तो फिर एक कॉन्फिडेंस। लेकिन जब गुनाहगार आता है उसके पास तो कुछ नहीं रहता, अगर मैं सहारा ना दूं तो फिर कौन है, कितना करीब है परवरदिगार। तो आज मूसा बात करने लगे, बात करके मूसा ऐसा पलटे, बातचीत होगी पलटे, फौरन आवाज आई मूसा मेरे एक बंदे ने तुमसे सवाल किया था, भूल गए? आई एम सॉरी कहा मूसा। देखिए इंग्लिश में नहीं बोला, आप बोलेंगे क्या इंग्लिश में बोला, मैं बात बोल रहा हूं कौम अल्लाह। अब सुनो सवाल क्या था उसका, कि मूसा अल्लाह से पूछोगे मुझे जन्नत में कितना बड़ा महल देगा, कितना यकीन है, कितना भरोसा है अपने इबादतों के ऊपर। आवाज आई मूसा प्लीज गौर से सुनो, मेरी आज की मजलिस का एक कंप्लीट मैसेज है। आवाज आई मूसा मेरे उस बंदे से कहो कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। बस ये सुनना था मूसा जैसा नबी काम गया, कहने लगा परवरदिगार तू करीम है, तो आदिल है, इतनी इबादत के बाद तू जहन्नम में भेज रहा, जहन्नम में भेजो, मेरा कलमा पड़ता है। अब सुनो सुनो अल्लाह का जवाब, इस सब के लिए पैगाम है। अल्लाह ने कहा बेशक इबादत की, उससे जाके पूछो कि रोजाना एक परिंदा सुबह शाम आके उसको एक एक दाना फीड करता है। कभी इसने पलट के पूछा भाई तू भी कुछ दाने खा ले भूखा होगा? मैं क्या बोल रहा, मौवा में अपने लिए जिंदा मत रहो, अहले बैत के लिए जिंदा रहो। You understand what I said? मैं यूथ का बोल रहा, मुझे इनकलाब चाहिए ये तीन मजलिसों में, अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहता। अब देखो क्या एक कभी बोलता है कि यार तू भी कुछ खा ले, मैसेज क्या मिला इससे? हमारी भूख एक रोटी की है, अगर मेरे घर में 10 रोटियां हैं तो किसकी हैं? हो सकता उसमें एक रोटी अल्लाह ने तुम्हारे जरिए किसी गरीब के लिए रखी है, किसी भूखे के लिए रखी है जो तुम खड़ा खड़े। प्लीज सुबह शाम फिक्र करो कि मैं इस्लाम के लिए अल्लाह के बंदों के लिए क्या करूं। तुम यकीन करो मौवा में तुम ऐसा ग्रो करोगे, तुम्हारा बिजनेस वहां जाएगा, तुम्हारी जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, घर में हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। लड़कियों को बोल रहा कि तुम काम करो अपने शौहर के साथ, तुम दो, इतने लोग हैं गरीब, मोमिनीन को दो, मौला के चाहने वालों को पहले देना। एनियो तो मूसा ने कहा ठीक है। मूसा प्लीज मेरी तरफ देखना, लुक एट मी। मूसा सीढ़ियों पहाड़ से उतर के नीचे आए, वो सामने वहां लेटा हुआ है। अब उसके लिए तो गुड न्यूज नहीं है, उसके लिए तो वेरी बैड न्यूज, जहन्नम की न्यूज है। अरे मूसा के पैरों की आवाज, अब मेरी तरफ देखो, मूसा के पैरों की आवाज उसके कानों में आई। दोस्तों आप इंसाफ से बोलो, अगर आप या मैं होता तो रास्ता काट के चला गया था, सही बात नहीं? कौन जाके बोले? हमारे पास डिप्लोमेसी है, आप अंग्रेजी नहीं समझ रहे यार। हम क्या मौवा में ये भी अच्छा ये भी अच्छा, हम क्यों बुरे हो जाएं? क्या बोल रहा मैं? नहीं, इनसे भी मेरे ताल्लुकात है, इनसे भी मेरे ताल्लुकात है, दोनों पैसे वाले। अगर मैं ताल्लुकात इनसे खराब कर लूंगा तो हो सकता मेरी कभी मदद की जरूरत है तो ये नहीं करेगा,
तो भरोसा इस पे है, अली पे नहीं। हमारे पास प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं, हमारे पास डिप्लोमेसी है। मैं सबसे ताल्लुकात मिला के रखूंगा। क्यों? मैं ये नहीं बोल रहा कि ताल्लुकात बिगाड़ो, कभी नहीं बोल रहा मैं, लेकिन हक बोलो। जो बीबी जहरा की सीरत है, शहजादी की सीरत, हक का बोलना है। दरबार में फातिमा चंद दरख्तों के लिए नहीं गई, फिदक के चंद बाग के झाड़ों के लिए नहीं गई, जालिम के चेहरे से नकाब को उल्टा। समझ में आई बात? ये मत समझो कि बीबी दरख्तों के लिए गई, फार्म हाउस के लिए गई, फिदक के लिए खाली गई। नो, वो जहरा क्या जाए, वो मेरी मजलूम बीबी क्या जाए? अरे जिसकी कनीज घर बैठ के जन्नत से खाना मंगा ले। नहीं, ये जहन से निकालो। उस जुल्म, जुल्म के खिलाफ आवाज का बुलंद करना, ये सीरत है बीबी जहरा। कोई हो, मोहब्बत से तो बोल सकती, प्यार से तो, मैं ये थोड़ी बोल रहा झगड़ा करो, मोहब्बत प्यार के साथ तो बोल सकते। मैं क्यों था? अब मूसा क्या करे? मूसा के पास डिप्लोमेसी नहीं है, वो नबी है, उलिल अज़म पैगंबर है, इस्मत है। मूसा ऐसा, मेरी तरफ देख, लुक एट मी, मूसा ऐसा पहाड़ से उतर के आए, वो लेटा हुआ है, उसके कानों में मूसा के पैरों की आवाज आ रही है। वो दिल में इतना खुश हो रहा, वाक मूसा बोलेंगे कि तुमको इतना बड़ा पैलेस मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट हूर और ये और वो। मूसा नजदीक आए, उसने कहा सलाम अलैकुम नबी खुदा। मूसा ने जवाब दिया, जवाब देके कहा, इसने पूछा ए नबी खुदा अल्लाह से बात हो गई? मूसा ने कहा यस अल्लाह से बात हो गई। कहा मेरे लिए कितनी कितने महलात है? मूसा ने कहा लिसन, तेरे लिए बैड न्यूज है, तेरे लिए बैड न्यूज है। अब कौन बैड न्यूज सुनना चाहता? उसने कहा बैड न्यूज है? क्या मतलब बैड न्यूज है? कहा ए बंदे खुदा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे जन्नत में भेज नहीं भेजेगा, जहन्नम में भेजेगा। आप यकीन करो, कसर से लंबिया की रिवायत पढ़ा, वो चीखे मार के रोने लगा कि अब मेरी ये एज, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कहा जहन्नम में जाने वाला है तू, जन्नत में जाने वाला नहीं है। इसने कहा मैंने किया क्या, कौन सी ऐसी गलती है जिससे मेरा करीम परवरदिगार नाराज हो गया? मूसा ने कहा रोज एक परिंदा आके तुझे एक एक दाना खिलाता है सुबह शाम, रिस्क देता है। उसने कहा हाँ। कहा तूने कभी पलट कर उससे पूछा तू भी भूखा होगा कुछ खा ले? इसको एहसास से गुनाह हुआ। ये सबसे बड़ी बात, ये चीज को पैदा करो, फील करो अपने आप को। आज मैं यहीं पे छोड़ रहा, मेरा टाइम हो गया। ये फील पे, फीलिंग्स को पैदा करो कि मैंने गुनाह किया है। ये गफलत में मत रहो कि मैंने कुछ नहीं किया। हुर हुर बना जब एहसास से गुनाह हुआ। अरे यार मैं क्या बोल गया यार, नौ मुहर्रम तक हुर को एहसास नहीं था, नौ मुहर्रम तक एहसास नहीं था, शबे आशूर उसको फील हुआ कि यस मैंने गुनाह अजीम किया है, हुसैन को घेर के यहां लाया। तो अब जब फील हुआ, एहसास हुआ गुनाह का, एडमिट किया और गया हुसैन के पास, तो हुसैन ने हुर को हुर बना दिया। ये चीज को पैदा करो, रोजाना 70 टाइम्स बोलो अलफो 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 अलफो। असर की नमाज के बाद अल्लाह दिन भर के 700 गुना माफ करता, 700 गुना माफ करता। तुम्हारे गुना माफ होंगे तो रहमत आएगी तुम्हारे पास। अब मूसा ने कहा कि रोज परिंदा आता है, रोज परिंदा। उसने कहा तूने कभी पूछा? उसने कहा मैंने कभी नहीं, अब मैं क्या करूं? मूसा ये बोले, प्लीज मेरी तरफ, मूसा ये बोले, आगे बढ़े, आगे जाने लगे। मूसा चंद कदम आगे बढ़े, फिर इसको एहसास हुआ, अल्लाह की तौफीक। उसने कहा लेटा हुआ,
उसने कहा नबी खुदा नबी खुदा। मूसा फिर पलटे, इसने कहा ए नबी खुदा आप मेरा काम करेंगे? तो उस वक्त मूसा ने ये नहीं कहा कि आई एम बिजी। ये नहीं सुन रहे यार, नहीं समझ रहा। मूसा नबी है, नबी नबी नबी, एक मामूली इंसान के अलावा मेरा काम करेंगे? मूसा ने कहा जा जा भाई, मेरा पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, फिर आऊंगा। हम नहीं करते, आप इंसाफ से बोलो, मवा वाले नहीं करते होंगे, मैं बात बोल रहा नहीं, कभी करते हो? अरे मां बोलती है तो नहीं सुनते, बाप बोलता है बेटा कैन यू डू इट दिस, नॉट डैड आई एम बिजी। मैं क्या बोल रहा आपसे, मैं जानबूझ के इंग्लिश में बोला, कोई समझे नहीं समझे समझ आई बात? माँ बाप की नहीं सुनते तो लोग मोमिन गरीब की सुने? अफसोस है वो शिया नहीं है जो दूसरों की मदद ना करे। तुम अली वाले हो या तुम इमाम अली से मोहब्बत करते हो? अली उस बंदे का नाम है जो रातों के अंधेरे में रोटियों का अंबार पीठ पे डाल के यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाता था। याली याली। प्लीज मेरे पास टाइम खत्म हो गया मेरा। तो कैसे मुख्तलिफ कमालात जमा हो गए थे इस ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब में, हम उसके मानने वाले। ज़बान से मत बोलो मैं मौला से मोहब्बत करता हूँ, काम करके बताओ, काम करके बताओ, अपनी लाइफ को बदल के बताओ, उनके लिए कोई चीज को छोड़ के बताओ, मुझे नहीं बताओ अली को बताओ। तो इसने कहा ए नबी खुदा, प्लीज खत्म हो गया वाक़ मैं मजलिस मेरी खत्म होगी, कहा ए नबी खुदा आप मेरा काम करेंगे? तो मूसा ने कहा टेल मी क्या काम करूं? तो कहा प्लीज एक दफा फिर जाएंगे तूर पे, फिर पहाड़ पे तूर पे जाएंगे मेरे खातिर। मूसा ने ये नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, फिर कौन जाए, कल जाऊंगा, नहीं। बंदों की मदद करना ये मासूमीन का शेयर है। बहुत बड़ी बात बोला यार, तुम समझे नहीं। ये चीज को पैदा करो मवा में, ये चीज को पैदा करो कि सुबह उठने के बाद दुआ करो कि अल्लाह मुझसे कोई ऐसा काम ले जिससे तू राजी हो जाए, मैं कोई ऐसा काम करूं जो इमाम अली को पसंद आ जाए। ये दुआ करो, ये नहीं बोलो कि इतना पैसा दे दे, ये बिजनेस दे, ये सब मत बोलो, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है तुम कि मुझे ये दे ये दे ये दे, मवा में किसी को ना दे मुझे दे। बोलते हो नहीं बोलते हो ना? कभी नहीं बोलना। ये सब मत बोलो ये दे ये दे, ये बोलो कि अल्लाह आज का दिन कोई ऐसा मैं काम करूं तेरे बंदों के लिए कि जिससे मेरा मौला भी राजी हो जाए, तू भी राजी हो जाए। तुम देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरती। एनी हाउ उसके बाद क्या हुआ? कहा अब इसने कहा खत्म हो गया वक्त, नबी खुदा टूर पे जाइए, जाके अल्लाह को बोलो। अब वो मुझे जहन्नम में ही भेज रहा, उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे जहन्नम में भेजेगा, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे ही भेज रहा जहन्नम। कहा अब प्लीज, अब उसका जुमला सुना, आप प्लीज अल्लाह को ये बोलो कि अगर तू मुझे जहन्नम में भेज रहा तो इतना बड़ा करके भेज कि मेरे अलावा तेरा कोई बंदा जा ही नहीं उसे। क्या बात है, फिक्र दूसरों की, सैक्रीफाइस सैक्रीफाइस। सीरत बीबी जहरा सलाम अल्लाह, उसने कहा अल्लाह को जाके ये बोलो कि मेरे कितना बड़ा कर दे कि मेरे अलावा तेरे कोई। मूसा ने कहा ठीक है, सीधा मूसा तूर पे गए, जाके कहा मेरे करीम मेरे करीम मेरे करीम मेरे करीम परवरदिगार, तेरे बंदे ने ये मैसेज भेजा। आप सोचो मूसा के कलमात खत्म नहीं हुए कि मेरे तेरे बंदे ने ये पैगाम भेजा है परवरदिगार मेरे करीम कि तू जब जहन्नम में भेजी रहा तो उसको इतना बड़ा कर दे कि उसके अलावा कोई जाए मत। उसके कलमात मूसा के खत्म नहीं हुए, आवाज परवरदिगार फौरन आई, इसलिए कि रहमत नाजिल करने में वो देरी नहीं करता। अरे यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अभी मूसा के कलमात खत्म नहीं हुए कि तेरे बंदे ने ये पैगाम दिया, फौरन आवाज परवरदिगार आई, क्या है मूसा जाके मेरे बंदे को बोल दे कि अब उसने दूसरों का ख्याल किया तो हमने इसके गुनाह माफ करके जन्नत में भेज दूंगा। क्या मैसेज मिला कि फिगर करो, जो मेरी बात थी आगे कंप्लीट हुई, फिगर करो तो मैं दूसरों के लिए क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। अगर तुम ये करोगे हमेशा मौवा में जिंदा रहोगे, तुम्हारी दुआएं ऐसे कबूल होती। बस बीबी जहरा के नाम पे एक बाबा से बलन सलवात करो। बस दोस्तों मेरा टाइम हो गया। माशाल्लाह पूरी मस्जिद भरी हुई, मौला तुमको सलामत रखे। मुझे एक खुशी है कि यूथ है पूरा, मुझे यूथ ही चाहिए। अब इसका यह मतलब नहीं है कि कल से बुजुर्ग ना आए, मैं बुजुर्ग को भी यूथ ही बोलता। अली वाला बूढ़ा नहीं होता, सही बात है। मैं यू ही नहीं बोल रहा। सलमान की एज क्या थी जब सलमान ने इस्लाम को कबूल किया? वो 250 इयर्स के थे, 250 साल में जवान थे। तो तुम नहीं रह सकते। लेकिन सलमान ने सही माना में अली से मोहब्बत की थी। सलमान की मर्जी कुछ नहीं थी, जो मर्जी है अली है वो सलमान की मर्जी। बस मेरा वक्त हो गया, एक घंटे की मजलिस हो गई। इंशाल्लाह 2 घंटे और है मेरे पास, कल और परसों। फिर इंशाल्लाह 11 जनवरी से आऊँगा। आई डोंट नो कहाँ कहाँ पढ़ूंगा, 6-7 दिन हो यहाँ पे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा कि सीरत ज़हरा शहजादी की लाइफ हम कैसे चलें। आज की तो इंट्रोडक्शन था, कल और दुआएं दूंगा, बीबी जहरा की दुआएं दूंगा कि शहजादी की दुआएं क्या है। बहुत बड़ी दुआएं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा वास्ता मेरी शहजादी का है, इससे बड़ा कोई वास्ता नहीं। गरीब बीबी है, मजलूम शहजादी है। परसों की मजलिस, कल नहीं परसों वाली जो मजलिस है उसमें बीबी के मसाइब पढ़ूंगा। एक चीज याद रख लो, रसूल की बेटी हसनैन की माँ 18 साल में असा को टेक के चल गई। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। ये सबसे बड़ा गम है खानदान अहले बैत का, ये सबसे बड़ा गम है खानदान अहले बैत के। हुसैन की माँ 18 साल के सिन में चली गई। सिर्फ चली नहीं गई, आपको मालूम है 75 दिन या 90 दिन तक हाथ में लकड़ी होती थी। अजीजो आप इंसाफ से बताओ, हाथ में ऐसा कौन लेता है जो बूढ़ा हो जाता है? बीबी की एज क्या है? बीबी की एज सिर्फ 18 इयर्स की है। ये सारी फसलियां तोड़ गई थी फातिमा। मैंने बड़ी आसानी से ये जुमला बोल दिया और आपने सुन लिया। ये सारी रिप्स टूट गई मेरी बीवी की, मेरी मजलूम माँ की, पेट में मोहसिन शहीद हो गए। अजीजो मदीने की ये पहली यतीमा है जिसको रोने नहीं दिया। जालिमीन ने कहा था या अली फातिमा से बोलो या दिन में रो या रात में रोए। ये मदीने की यतीम थी जिसको रोने नहीं दिया, और वो करबला की यतीम थी 4 साल की फातिमा की पोती, जिसको जालिम शिमिन ने ऐसा तमाचा मारा कि सकीना जमीन पे गिर गई। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। फातिमा ने कुछ नहीं मांगा, यही कहा था बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन बाबा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अल्लाह एक खौफ पैदा करेगा। बीबी ने हाथों को उठा के दुआ दी थी कि मेरे बच्चे पे रोने वालों अल्लाह तुमको आबाद रखे। आज अगर हम जिंदा है तो बीबी की वजह से जिंदा। जालिम शिमिन ने ऐसा तमाचा मारा। आपको मालूम है कि करबला के बाद काफी अरसे के बाद मकाम नैनवा के लोग मदीना आए, अल्लाह हम भी जाए मौला के पास, चौथे इमाम से मुलाकात की। मुलाकात करके एक सवाल किया, सवाल ये किया कि मौला ये बताओ कि शाम गरीबा में जब खैमे जले
तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? बस बस अजीब सवाल था। रो इसी तरह तड़प तड़प के रोना, आखिर तक बोल रहा है। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। रावी सवाल कर रहा कि मौला ये बताओ कि जब शाम गरीबा में आखिरी खेमा जला तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? बस ये सुनना था, मेरा चौथा इमाम तड़प के रोने लगा, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए। इमाम के हाथ में तस्बीह थी, जो आप तस्बीह पढ़ते, इमाम के हाथ में तस्बीह थी। इमाम ने उससे कहा, भाई तूने अजीब सवाल किया, तू ये जानना चाहता कि हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए? कहा अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने कैसे बिखर जाएंगे? उसी तरह जब आखिरी खैमा जला हुसैन के बच्चे बाहर आ गए। जब पहली मरतबा सकीना आई तो जालिम ने ऐसा तमाचा मारा कि हुसैन की यतीम जमीन पे गिर गई। फिर दूसरे हाथ से उठा के दूसरे रुखसार पे मारता है। सकीना ने दोनों हाथों से अपने रुखसार को थाम के कहा, बाबा मैं यतीम हो गई बाबा। अभी बच्ची वहीं खड़ी हुई थी, जालिम ने आगे इतनी जोर से कान से गोशवारे छीने कि सकीना का लिबास खूनालूदा हो गया। कभी ये हाथ कान पे जाते थे, कभी रुखसार पे। अजीजो इस जालिम ने सकीना को ऊन की नंगी पुश पे लिटा कर रस्सियों से बांध दिया। अरे जब ऊन चलता था सकीना के पैरों से खून जारी होता। सकीना रबाब से कहती, अम्मा मुझे बचा लो। बीबी चौथे इमाम से कहती, चौथे इमाम कहते हैं, शिमेल ये बच्ची यतीम है, इसका बाबा शहीद कर दिया। परवरदिगार मेरी शहजादी का वास्ता, मेरी मजलूम बीबी का वास्ता। मजलूम बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा, मजलूम शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। सब मिल के आमीन बोलो। ये दुआ का वक्त है, मुंह खोलो यार। परवरदिगार ये मजलिस बीबी जहरा की बारगाह में कबूल हो जाए। परवरदिगार ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। जिन जिन लोगों ने इन मजालिस को रखा है, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, उनके रिस्क में बरकत अदा फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोजों की